5 months. Welcome back to my channel. So I know I haven't posted anything for 5 months, but आज जो मैं device लेके आया हूँ आपके लिए, so that is something which is really interesting and amazing, especially during this lockdown and stuff, because जो pandemic आया उसके बाद तो first priority आप सबका क्या है कि hygiene, and second is going contactless. So जो जो लोग घर में है, जो like work from home वाले लोग, जिनको जो normally बाहर निकलते नहीं apart from essential things, सो फॉर देम दिस डिवाइस इज एक्चुअली यूजफुल. लाइक मान लो कि आपके पास काम के लिए मेड आती है एंड अचानक ऐसा हो गया कि आपके सोसाइटी में समवन इज फाउंड पॉजिटिव एंड देन दे आर सीलिंग द एंटायर सोसाइटी. अभी ऐसे टाइम पे तो यू आर रिलाइंग ऑन द थर्ड पर्सन टू गेट योर वर्क डन. सो दिस डिवाइस विल एक्चुअली बी हेल्पफुल जब भी आपकी मेड नहीं रहेंगी. सो दिस डिवाइस इज हेल्पफुल. द नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक बहुत लोगों ने मुझे अभी तक पूछा है, जिन लाइक मेरे पास ये डिवाइस पिछले 12 साल से है. सो लास्ट मंथ वही मैंने अपग्रेड किया वापस, क्योंकि पुराने डिवाइस का जो आईसी का सर्किट था उसमें थोड़ा इशू आया और वो तो उड़ गया पूरा. तो IFB गाइस वर सो नाइस दैट आई टोल्ड देम टू गेट इट रिप्लेस्ड, बट देन दे वर लाइक कि सर ये मॉडल इतना पुराना हुआ है कि हम रिप्लेस नहीं कर सकते, इट्स बेटर टू चेंज द एंटायर मशीन, बिकॉज आज हमने अगर ढूंढ ढूंढ के भी निकाल के आपको रिप्लेस करके दिया, आगे जाके सेम चीज़ होने वाली है कि आपको पार्ट्स नहीं मिलेंगे इसके. सो पिछले 12 साल से तो मुझे कुछ प्रॉब्लम आया नहीं. और जो लोग जिनको मालूम है मेरे पास ये मशीन है, दिस डिवाइस आई हैव, सो दे वर आस्किंग मी दैट विल दिस डिवाइस एक्चुअली गो अहेड एंड रिप्लेस द मीड्स. सो दिस वॉज द प्राइमरी क्वेश्चन एंड दिस इज नाउ बिकमिंग द प्राइमरी क्वेश्चन, स्पेशली इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन. सो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए IFB का डिशवॉशर, जो मैंने लास्ट मंथ खरीदा था. आई नो कि ये डिवाइस इतना कॉमन है नहीं इंडिया में, बट अभी लोग ज़्यादा करके यूज़ करने लगे हैं इसको. फिर भी एक लोगों का एक ये रहता है, क्वेश्चन रहता है कि विल इट रिप्लेस द मेड्स, उसका वाटर कंजम्पशन कितना है, उसका एंटायर लाइफ कितना है, बर्तन धोए जाते ही नहीं अच्छी तरह से. सो ये जितने भी आपके क्वेश्चन है उसका पूरा का पूरा आपको आंसर मिल जाएगा ये वीडियो में. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स हेड स्ट्रेट टू द डिशवॉशर. सो दिस इज अ 12 प्लेस सेटिंग डिशवॉशर फ्रॉम IFB विच वेज अबाउट 46 kgs नेट. It has a stainless steel body on the sides with a laminated wooden top. The rear of the machine has one water inlet and one water outlet hose. On the front is the control panel with electronic push buttons and LED indicators that notifies you about the rinse head and salt refill. On the inside, it has got a stainless steel cavity with high resistant nylon coated galvanized iron baskets to load the utensils. The cavity is utilized by a cutlery rack, 4 mug shelves, foldable mug shelves on the upper basket which is also adjustable as per the load and size of utensils, foldable plates on the lower basket and a removable cutlery basket. It's equipped with a triple arm spray that ensures that utensils are cleaned from all the directions, leaving them shining and spot free. It has also got a hot water wash that cleans the utensils at a maximum temperature of 70 degrees Celsius, an inbuilt water softening device and a special self-cleaning cycle with a delayed start mechanism and a drying system for utensils after the wash program is complete. On the bottom is a filter that collects the leftover pieces of food and prevents them from going down the drain that could choke the outlet. On the inside of the front door are two pockets for filling the detergent and rinse aid. The dishwasher has two wash modes, half load, full load, and also it comes with 8 fully automatic wash programs. So the mechanism is pretty simple. So this is the front portion. सो आपको यहाँ से खोलना है इसको. सो अब जैसे ही खोलेंगे आपको यहाँ पे दो कंपार्टमेंट्स दिखाई देंगे. सो ये वाला जो है इसमें पूरा डिटर्जेंट रहेगा आपका और इसमें रिंसेड जाएगा. यू हैव टू जस्ट प्रेस दिस, इट ओपन्स लाइक दिस. इसको आपको ऐसे उठाना है, ये जो जगह है इधर रिंसेड जाएगा. अभी रिंसेड क्या करता है, इट पुट्स एन एक्स्ट्रा शाइन टू द यूटेंसिल्स वॉश के बाद. यहाँ पे आपका डिटर्जेंट आएगा. यू हैव टू जस्ट क्लोज दिस. सो ये जो दिख रहा है, सो दिस इज़ द फ्रंट पैनल ऑफ द मशीन और यहाँ पे ही सब कंट्रोल्स है. सो जैसे आप पावर ऑन करते हो, फर्स्ट यू हैव टू प्रेस दिस बटन. दिस इज़ द ऑन ऑफ बटन एंड पावर बटन. अब ये जैसे ही प्रेस करोगे यहाँ पे आपको नंबर्स दिखाई देंगे जो कि उसका टाइमर. अभी नीचे जो ये बटन है,
चार बटन, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट दैट डज, वो आपको बाद में बताऊंगा मैं। अब जैसे यहाँ पे आते हो, यहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्टर है और यहाँ पे 8 प्रोग्राम्स लिस्ट किए, सो स्टार्टिंग फ्रॉम प्री वॉश, क्विक इको वॉश, सुपर 50-65 डिग्रीज का डेली वॉश, अभी उसके इधर आगे टेम्परेचर भी मेंशन किया कि कितने टेम्परेचर का पानी से वॉश होने वाले बर्तन। ये जो बटन है इट जस्ट टॉगल्स बिटवीन द प्रोग्राम, सो अगर आप एक बार प्रेस करोगे तो अभी ये सुपर 50 पे प्रोग्राम चला गया जिसमें 65 डिग्रीज वाटर रहेगा, गर्म पानी में धोए जाएंगे। अब अगर आप वापस दबाओगे ये रेड लाइट गोज हियर, दिस इज़ डेली 60 डिग्रीज। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लोड एंड टाइप ऑफ वेसल्स यू हैव, मतलब कितने गंदे वेसल्स है, तो उसके हिसाब से आप ये 8 प्रोग्राम में से कोई भी सेट कर सकते हैं। और जैसे आप इधर प्रोग्राम सेट कर रहे हैं सो इधर आपको टाइम दिखाई देगा कि कितने मिनट का प्रोग्राम है और कितने घंटे का। सो लाइक मैंने अभी ये ऑटो सेलेक्ट कर दिया नॉर्मल वाला 50-60 डिग्रीज वाला, ये 2 घंटा 1 मिनट का प्रोग्राम है। अगर मैं ऑटो इंटेंसिव पे चला गया लाइक दिस वाला, ये 2 hours 58 minutes, मतलब 3 घंटे का ये प्रोग्राम है। इधर ऊपर जो दिख रहा है वॉश रिंस ड्राइज अर्न एंड, जैसे अब साइकिल चालू रहेगा वॉश का तो इधर एक लाइट लगेगा वॉश का, जब बर्तन रिंस होते हैं तब रिंस का लाइट लगेगा, जब स्टीम ड्राइंग प्रोसेस चालू होता है तब इसका लाइट लगता है, और एंड के बाद एंड वाला लाइट। सो दिस एंड वाला लाइट इज द इंडिकेशन कि आपके पूरे बर्तन धोके हो चुके हैं। इधर जो 2 लाइट है, सो ऊपर वाला जो लाइट है दैट इज़ अ सॉल्ट इंडिकेटर कि अगर आपका सॉल्ट ख़त्म हुआ तो दिस विल टर्न रेड, और नीचे वाला जो है दैट इज़ फॉर रिंसेड, अगर रिंसेड ख़त्म हुआ तो दिस विल टर्न रेड। अभी के लिए दोनों लाइट मेरे ब्लिंक हो रहे हैं बिकॉज आई एम यूजिंग द टैबलेट। सो दिस इज़ द फ्रंट साइड। सो हियर इज़ द प्लेस वेयर ऑल द वॉशिंग विल टेक प्लेस, ये कैविटी में। अभी ये कैविटी भी 2 इसमें डिवाइड किया है, ऊपर और नीचे। जैसे मैं नीचे वाला पोर्शन खोल रहा हूँ, आपको नीचे 2 वेंट्स दिखाई देंगे। सो इधर अंदर जो आपको दिख रहा है स्पेस, ये जो व्हील है इसके अंदर आपको सॉल्ट डालना है, तो जस्ट उसे घुमा के उसको निकालना है, यहाँ पे सॉल्ट जाएगा। अभी सॉल्ट क्या करता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाता है। और ये जो जगह दिख रहा है इधर ग्रीन कलर का, सो दिस इज़ द फिल्टर। अभी बहुत बार कैसा होता है कि ये फिल्टर है इसमें जो लेफ्ट ओवर फूड है, सपोज़ अगर गलती से आपका फूड रह गया प्लेट्स में, तो ये इसमें कलेक्ट होता है पूरा। सो इट विल जस्ट प्रिवेंट द फूड फ्रॉम चोकिंग द ड्रेन। अभी ये जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला जो कंपार्टमेंट है, यहाँ पे पूरा बड़े बर्तन, जितने भी आपके पास बड़े बर्तन है आप यहाँ रख सकते हैं। दिस वन इज़ फॉर द प्लेट्स, जितने भी आपके पास प्लेट्स है, दिस इज़ द स्पून रैक। अब यहाँ पे भी कैसा है, ये निकल सकता है इसमें, इधर आप स्पून रख सकते हैं एक 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 करके, और इधर सब बड़े स्पून्स के लिए रहता, यू कैन जस्ट लिफ्ट इट अप एंड दैट्स इट, अगर आपको नहीं चाहिए तो। ये भी दो पीसेस में जाता है, सो यू कैन जस्ट सेपरेट दिस, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा डिपेंडिंग ऑन द स्पेस। अगर आपके पास बड़े बर्तन नहीं है, छोटे बर्तन नहीं है, तो प्लेट्स ज़्यादा है, यू कैन जस्ट लिफ्ट दिस, ये एक बार इधर लॉक करने के बाद, सो दिस बिकम्स द प्लेट रैक। सेम गोज फॉर हियर, ये इधर से यहाँ पे लॉक होता है, ये यहाँ पे लॉक होता है, सो यहाँ पे आप प्लेट्स रख सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो, अगर आपके पास बड़े बर्तन कम है तो। ये जो दिख रहा है अंदर, ये पंखा है। ये पंखे को अगर आप गौर से देखेंगे, इट हैज़ सम होल्स ऑन द अपर साइड, ये जो होल्स है इसमें से पानी पूरा बाहर आता है, एंड दैट्स हाउ द वॉश इज डन। सो दिस इज़ द, ये नीचे वाला कंपार्टमेंट है। ऊपर वाला अगर आप अपने कंपार्टमेंट देखा, तो ये जो जगह है इधर पूरे मग्स जाएंगे आपके, मग्स होल्डर, मग्स के लिए। इधर पूरा कप एंड सॉसर्स, ये वाला पूरा कप एंड सॉसर वाला पोर्शन है, नहीं तो छोटे बर्तन यूटेंसिल जितने भी आप इधर रख सकते। दिस वन इज़ समथिंग न्यू, ये IFB के लोगों ने बोला है कि ये स्पून रखने के लिए, जो बड़े स्पून्स रहते हैं ज़हारा टाइप ऐसा, ये स्पून सब इधर रख सकते, इधर अटका के उसको बाद में लॉक कर सकते, बीच में इधर आप उसको लॉक कर सकते।
एंड दिस इज़ द रैक विच इज ऑल्सो एडजस्टेबल। अब ये ऊपर की तरफ है, ये एडजस्ट करने के लिए आपको सिर्फ उसको ऊपर खींच के नीचे लेके जाना है, ये नीचे चला जाएगा, मतलब इतना जो स्पेस है वो आपका बढ़ेगा। अब फिर आप ऊपर उठा के उसको ऊपर भी लेके आ सकते हैं। सो ये सब होने के बाद मान लो कि आपने सब बर्तन वगैरह भर लिए, सो क्लोज कर दिया। जैसे आप पावर ऑन करते हो, यू हैव टू प्रेस दिस। इधर इधर जो चार बटन दिख रहे हैं, दिस वन इज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑरिजिन टैबलेट एंड हाफ लोड। अभी जैसे आप ये ऑन करोगे, यहाँ पे डिस्प्ले चालू हो जाएगा। अभी ये एक्स्ट्रा मतलब दिस इज़ अ प्री वॉश फंक्शन, जिसमें एक्स्ट्रा अगर आपको धोनी है आपके बर्तन, ज़्यादा ख़राब बर्तन रहेंगे, यू हैव टू जस्ट प्रेस दिस। इसमें अलग सा प्रोग्राम है एक एक्स्ट्रा वाला, जो 15 मिनट आपके प्रोग्राम के बढ़ेंगे। सो इधर से कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट करो, आपने यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा पे बटन दबाया एक्स्ट्रा का, सो 15-20 मिनट से शायद प्रोग्राम बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा ऑरिजिन में भी सेम होता है कि एक्स्ट्रा ऑरिजिन में वो ज़्यादा टेम्परेचर पे आपको एक वॉश एक्स्ट्रा मिलेगा। ये हाफ लोड जो है, मान लो कि आपके पास बर्तन कम है, आपने सिर्फ नीचे वाला रैक भरा है बर्तनों से, ऊपर वाला इज एम्प्टी। सो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट प्रेस द हाफ लोड बटन। यहाँ पे आपको इंडिकेशन आएगा कि नीचे वाला रैक चाहिए ऊपर वाला चाहिए। एक बार दबाओ नीचे वाला लिट हो जाएगा रेड कलर में, वापस एक बार दबाओ ऊपर वाला। अगर आपने ऊपर बर्तन रखे हो, जस्ट प्रेस दिस अंटिल दिस बिकम्स रेड एंड देन योर हाफ लोड विल बी एक्टिव। सो सिर्फ ऊपर पानी आएगा, नीचे पानी नहीं आएगा। ये है प्रोग्राम का, ये बढ़ाने के लिए, टाइम बढ़ाने के लिए। अभी यहाँ पे जो बटन है टैबलेट का, सो जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आप डिटर्जेंट रख सकते हो इसमें, इसके अंदर डिटर्जेंट जाता है जो पाउडर रहता है, इसके अंदर रिंसड जाता है और अंदर सॉल्ट जाता है। सो आई हैव बेस केम विद समथिंग डिफरेंट जिसको हम बोलते हैं टैबलेट। सो इतना छोटा टैबलेट रहता वो इसमें डाल देने का। अभी टैबलेट क्या करता है, तीनों का काम एक साथ करेगा, मतलब आपका डिटर्जेंट रिंसड और सॉल्ट का काम एक टैबलेट करता है। यू हैव टू पुट इट हियर। अगर आप टैबलेट यूज़ कर रहे तो सब करने के बाद सिर्फ एक बार ये बटन दबाओ, सो दिस लाइट विल लिट अप। अगर टैबलेट रहेगा तो यू हैव टू जस्ट प्रेस दिस, सेलेक्ट द डिजायर्ड प्रोग्राम एंड देन क्लिक एंड देन प्रेस दिस स्टार्ट बटन। सो आपका दूसरा टैबलेट वाला प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट द एंटायर मशीन इज़ अबाउट। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अभी लोड कर दिया है पूरे यूटेंसिल्स डिशवॉशर में। सो कुछ इस तरह लोड होते हैं। बस आपको ये एक बात का ख्याल रखना है कि सब अपसाइड डाउन अपने लोड कर दिए। सो दिस इज़ द स्पून रैक, ये वाला पूरा जो है उधर हमने प्लेट्स रखे हैं, ये बाजू में बड़े बर्तन यूटेंसिल्स वाले, सब बड़े वाले इधर है। ऊपर जो अपने रेगुलर यूज़ के जो मग्स कप्स रहते हैं, चाय का कप वगैरह, और छोटे बर्तन। सो दिस इज़ हाउ द डिशवॉशर इज़ लोडेड। आपको सिर्फ ये बंद करना है बाद में। आपको एक बात का ख्याल रखना है कि किधर कोई बर्तन किधर इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, मतलब किधर घिस नहीं रहा है, आपको वही बात का एक ख्याल रखना है बस। अभी आपको ये लोड करना है, यहाँ पे जाएगा वो डिशवॉशर का टैबलेट। सो दिस इज़ द टैबलेट बॉक्स। सो ये टैबलेट रहती है। अभी ये बड़ा टैबलेट है, एक ही बार ऐसा ये निकाल के हम एक ही बार ऐसा आपको ये निकाल के डाल देना है इसमें। मुझे अभी इसको यहाँ पे सिर्फ लोड करना है अंदर, और ये हो जाएगा बंद। ये मैंने डोर लगाया एंड विल स्टार्ट द प्रोग्राम नाउ। Now the question becomes, is it really worth? So especially during these COVID times, like the pandemic situation, where everyone is behind going contactless and most of the people are relying on utmost maximum hygiene, ऐसे scenarios के लिए this is the best, because after all it's a washing machine. और दूसरी बात ऐसी है कि आपकी मेड भी नहीं आ रही बर्तन धोने के लिए, आप आपके बर्तन खुद होके उसमें लगा रहे हो, जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है आप वहाँ से निकाल रहे हो। सो यहाँ पे कॉन्टैक्टलेस हो रहा है, जब तक आपका हाथ साफ है तब तक कुछ टेंशन है नहीं आपको। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू सेकंड पॉइंट, वेयर द यूटेंसिल्स आर गेटिंग वॉश्ड एट 70 डिग्री सेल्सियस, सो विच एक्चुअली इज़ नॉट पॉसिबल बाय अ ह्यूमन। सो कोई भी इंसान 70 डिग्री पानी में अपना हाथ नहीं डाल पाएगा बर्तन धोने के लिए।
सो दिस इज द मेजर प्लस पॉइंट ऑफ द डिश वॉशर, जो ह्यूमन नहीं कर सकते ये मशीन काम कर रहा है। सो येस अगेन हाइजीन का ख्याल रखा जा रहा है आपका, क्योंकि 70 डिग्री पानी इज लाइक टू हॉट। नाउ द पॉइंट इज वाटर कंजम्पशन, जो बहुत लोगों ने पूछा था कि वाटर कंजम्पशन कितना है। सो इसका जो वाटर कंजम्पशन है दैट इज 9 लीटर्स पर केजी पर साइकिल। सो एक जो साइकिल है पूरा साइकिल, उसमें जो मैक्सिमम कैपेसिटी है साइकिल का दैट इज 3 आवर्स का जो प्रोग्राम है, उसमें 9 लीटर्स पर केजी आपका पानी चला जाएगा। पर केजी आई थिंक यूटेंसिल्स का जितना भी वजन है उसका हर केजी के लिए 9 लीटर्स का पानी यूज़ होता है। सो दैट्स द थर्ड पॉइंट। सो अगर आप दो टाइम का एक साथ लगा रहे वॉशिंग मशीन, लाइक लंच एंड डिनर दोनों का एक साथ लगा के रात को अगर लगा रहे, सो आई थिंक दैट वुड बी बेनिफिशियल। क्योंकि अभी हमको मालूम नहीं है कि हमारे पास जो मेड्स आते हैं वो कितना टाइम नल खुले रखते हैं। सो एज इट इज़ इधर 9 लीटर्स जा रहा है, उधर कितना जाता है किसी को मालूम नहीं रहता। इधर एटलीस्ट एक बात है कि 9 लीटर्स के ऊपर आपका जाएगा नहीं पर केजी पर साइकिल। सो दैट्स द प्लस पॉइंट हियर, द थर्ड प्लस पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज नॉट टू रिलाय ऑन मेड्स, जैसे कि हर एक घर में रहता है। एंड इवन इन माई केस माई मॉम वॉज लाइक कि उनका महीने में 2 बार तो छुट्टी रहता है, कभी कभी बिना बात करे आते नहीं, मतलब दे डोंट इवन इन्फॉर्म वेल टेकिंग अ लीव। सो मॉम यूज टू गेट इरीटेटेड अर्लियर इन द डेज। सो हमने जो 12 साल पहले लिया यही सोच के लिया था कि मेड आई नहीं, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास डिश वॉशर है। पर अभी के सीनरी में ऐसा है कि पीपल आर गोइंग कॉन्टैक्टलेस, एवरी वन वॉन्ट्स हाइजीन। सो ऐसे टाइम पर अगर डिश वॉशर है किसी के घर में, और मान लो कि ऐसा हुआ कि लॉकडाउन हुआ, जो फर्स्ट वेव सेकेंड वेव थर्ड वेव और कितना आएगा मालूम नहीं, होप इट शुड नॉट कम, ये सेकेंड ही एंड होना चाहिए, सेकेंड वेव में ही सब होके अच्छा खासा होना चाहिए, आई होप दिस हैपन्स। बट फिर भी वर्स्ट कम वर्स्ट केस अगर थर्ड वेव आया भी और वापस लॉकडाउन हुआ भी, और अगर मेड्स को भी बंद किया, अगर लाइक सोसाइटी में रहता है कि एक को किसी को हुआ तो मेड्स बंद करो 15 दिन के लिए, ऐसे टाइम पे दिस डिश वॉशर इज़ वेरी यूजफुल। वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ द स्टीम ड्राइंग फंक्शन। सो जैसे कि आपका लास्ट साइकिल चालू होता है डिश वॉशर में, होता क्या है कि लास्ट साइकिल पे वो स्टीम से वॉश करके बाद में स्टीम से ड्राई करने के लिए रख देते हैं बर्तन। सो अंदर ही प्रोग्राम चालू रहता है पूरा, और स्टीम ड्राइंग इज समथिंग विच इज़ आई गेस 10 या 15 मिनट का पूरा प्रोग्राम है वो एंड में। मतलब अगर 3 घंटे का प्रोग्राम है तो लास्ट का जो 15 मिनट का सेक्शन है पार्ट, उसमें वो पूरा स्टीम ड्राई होके आएगा बर्तन बाहर। और इससे ही मेरा लास्ट पॉइंट रहेगा कि जैसे ही स्टीम वॉश हो रहे, जब तक आप वो डोर खोलते नहीं तब तक वो पूरा अंदर गर्म ही रहने वाले। आप भले ही पावर ऑफ कर दो ऊपर से, पर अंदर आपका पूरा का पूरा बर्तन गर्म रहेगा। सो अगेन हाइजीन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ द डिश वॉशर एज अ सेकेंडरी स्टोरेज, जैसे हम लोग अभी करते हैं। लाइक जैसे मेरा लंच हुआ तो लंच के पूरे बर्तन हमने डिश वॉशर में लगा दिए, उसके बाद वी वेट टिल द डिनर गेट्स ओवर। एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो कि है उनका डिनर हो जाता है 10:30 तक रात को। सो 10:30 को डिनर हुआ, मैंने अगर मैक्सिमम वाला प्रोग्राम भी लगाया जो कि 3 घंटा 11 या 12 मिनट का, वो भी ऐसा पकड़ के चलो कि 10:30 को लगाया तो 10:30 to 11, 11 to 12, 12 to 1, सो 1:30 तक अगर मशीन भी मेरा ख़त्म हो रहा है प्रोग्राम, हाईएस्ट प्रोग्राम। अगर मेरे मशीन बंद हो रहा है तो अपने आप वो बंद हो जाएगा ख़त्म होने के बाद प्रोग्राम। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन वी वेक अप, वी जस्ट ओपन द डोर एंड टेक आउट द यूटेंसिल्स, उतना ही करना है। सो दैट ऑल्सो एक्ट एज अ सेकेंडरी स्टोरेज। So this is the plus, these are all the plus points of this machine. Now coming back to the cons of this machine. So cons में actually ज़्यादा बोलने जैसा है नहीं, because ये तो electricity पे चलता है। So अगर electricity गई तो आपका वो program चलेगा नहीं, मतलब machine चलेगा नहीं। So that is one thing. Second thing is, especially when it comes to Indian cooking, like कढ़ाई में अगर आप घी बना रहे हो तो जैसे आपका घी ख़त्म होता है, मतलब आपने घी दूसरे बर्तन में डाल दिया, तो नीचे जो कुछ कढ़ाई में रहता है वो पूरा का पूरा इफेक्टिवली एक वॉश में जाएगा ही, इसका तो गारंटी है नहीं। क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है कि कई बार गया नहीं, फिर इवन आई हैव बी गाइस दे रिकमेंड कि एक बार आप नॉर्मल एक बार पानी डाल लो उसमें बर्तन में, जो ऊपर का जो लेयर है वो पूरा स्क्रैप करो और बाद में डाल लो अंदर। मतलब घिसने का नहीं, सिर्फ पानी डाल के रखने का उसमें। एंड देन क्योंकि ये इंडियन कुकिंग है, सो इंडियन कुकिंग के लिए, और जो डिश वॉशर है दैट इज़ डिज़ाइन एज पर द वेस्टर्न थिंग्स, सो वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से उसको डिज़ाइन किया है। सो द मेन बात यही आती है कि आपको अगर ऐसे बड़े बर्तन है, जैसे कि दूध का रखो आप, एक दिन दूध का बर्तन है, घी का बर्तन है, तो ऐसे टाइम पे ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्लीन करने के लिए। बट या अगेन इट्स अ मशीन एंड नॉट हैंड्स। सो अगर 70 डिग्री पानी से अगर हो रहा है, क्योंकि मैंने ये पर्सनली ट्राई किया है कि घी का और दूध का जितने भी पतीले रहते, मैंने 70 डिग्री प्रोग्राम में एक्स्ट्रा हाइजीन प्रोग्राम डाल के उसको रख दिया अंदर।
सो एक्स्ट्रा हाइजीन में क्या होता है, 20 मिनट्स आपके और बढ़ते हैं क्योंकि वो वन रिन साइकिल बढ़ा देता है गर्म पानी का। उसमें तो वो पूरा निकल गया, ठीक है 100% नहीं निकलेगा पर एटलीस्ट इट्स मेकिंग अ पॉइंट एट 98% तो पूरा का पूरा निकल रहा है। सो दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके स्पेयर पार्ट्स थोड़े से कॉस्टली है। नाउ ऑब्वियसली वो कॉस्टली तो रहेंगे क्योंकि है, मतलब उतना टेक्नोलॉजी तो दिया है उन्होंने कि बर्तन पूरे के पूरे बर्तन साफ एकदम हो रहे। अभी मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो वॉश साइकिल के बाद ये इतने सारे साफ होते हैं बर्तन, आप एक बार वो देख लो कैसे होते। सो एज यू कैन सी द प्रोग्राम इज़ बीन कम्प्लीटेड, यहाँ पे जीरो आया है और यहाँ पे एक एंड का लाइट जला हुआ है, सो इसका मतलब ये प्रोग्राम कम्प्लीट हुआ। सो आई जस्ट टर्न दिस ऑफ और ये खोल के अभी देखते हैं। ये नीचे का रैक है और ये ऊपर का। सो दिस इज हाउ द एक्चुअल वर्किंग इज। ये पूरे साफ होके निकलते बर्तन, हमने कढ़ाई भी डाला था। देखो यहाँ पे जो धूल जमा रहता नॉर्मली ये भी साफ हुआ है इसमें। ये है कढ़ाई अंदर से, सो इट एक्चुअली क्लीन्स अप रियली वेल। सो विल इट रियली रिप्लेस मेड्स एंड विल इट रियली स्टैंड आउट एज द बेस्ट डिवाइस फॉर इंडियन हाउसहोल्ड्स? चॉइस तो आपका है पर अगर आप मुझे पूछ रहे तो आई विल लिटरली गिव इट 98 आउट ऑफ 100 इफ आई वांट टू रेट द मशीन। So that's all with the dishwasher. I hope you have enjoyed this video. Please hit the like and the subscribe button. I'll see you in the next video. Till then, bye bye.